shit. Oh no. Oof. ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गली में जाके गोटियाँ खेलनी चाहिए। चुप रहे संकट राव, ने तो 1 million मोर लगे हुए हैं गधे। अरे दोस्तों, क्या कर रहे हो? गलत तरीके से खेल रहे हो। यू गाइस वॉन्ट टू लर्न? वहां देखो, वो अंकल तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देंगे। मैं सिखाऊंगा इन बच्चों को, मैं सिखाऊंगा। पैसा दे। भूल गया, 1 million देना है। ये क्यों देख रहा है मुझे? है? मेरे पैसे दो। संकट रहो, मत जाओ, वहाँ संकट है। Excuse me, uncle. आप सीनियर कोच लगते हैं, आप उन 9 सिखियों को सिखा सकते हैं? मैंने कोचिंग क्लासेस बंद कर दी हैं। लेकिन क्यों? जबान तकदीर खराब है और मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ इसलिए। अरे सर, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज है, इन मासूमों को सिखा दीजिए ना। दुकान बंद है भाई। अरे इनको तो कुछ नहीं आता, एक नंबर का पगलू है ये। कहाँ जा रहे हो? नहीं वो आदमी हूँ। लगता है संकट की संकट से निकालने वाली सलाह देनी पड़ेगी। अब तुम पीछे हट जाओ, बाएं हाथ से पकड़ो, उंगली इसमें इस तरह डालो, अटकाने के बाद पीछे ये स्टांस लो ताकि पूरी ताकत आपके बाजुओं में आए। 2.5 किलो के बाजू, अब हो जाओ पीछे बाजू और देखो खुन्नस से। और ये फूट गया दिवाली। ये क्या किया वालू? तुम हटो पीछे। चार डंडे। Hey मिस्टर, तुमने क्लब का नुकसान किया है, पैसा भरना पड़ेगा। इतना पैसा हुआ रे? 20,000 euros। अरे हटाओ, इतने छोटे अमाउंट के लिए डंडा दिखाते हो? ये लो, जाओ इसमें से पूरे 20 निकाल लो। कंगाल चोपड़ी खोपड़ी भी कंगाल। इस कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं है। तुमसे मदद नहीं मांगी। ये लोग बहुत मारते हैं। फिर ले लो। धन्यवाद, तुमने संकट राव की मदद की। आज के बाद जब भी संकट में फंसोगे तो मुझे याद मत करना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसी वक्त। अभी मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना है। Hi, I'm Karthik. Anushka. बहुत सुना है आपके बारे में, आपकी आइडियाज, बिजनेस का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आपको काफी दिलचस्पी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में एक गेमिंग कंपनी खोलें और फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, ऐसे कई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक द फ्यूचर इज अबाउट स्पोर्ट्स। हमारी कंपनी 2 लीडिंग टीम्स को खरीदेगी और दोनों टीम्स हमारी कंपनी को प्रमोट करेंगी। इंडस्ट्री में हमारी मोनोपोली होगी और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी को 10 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। ऐसी डील बार बार नहीं आएगी। यही है मेरा प्लान। जैसा बिजनेस पार्टनर मुझे चाहिए, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके साथ बिजनेस करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छी मैच होगी। डील मंजूर है। मिलते हैं। शादी के लिए लड़का कैसा है? शादी? क्या ये बिजनेस डील नहीं थी? नॉट एट ऑल। आपका होने वाला दूल्हा? नाइस जॉब, मुझे जैसा लड़का चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही है। शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से। अब जल्द से जल्द मेरी भी नैया पार कर दीजिए। क्या? मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने चाहा था ये लड़का ठीक वैसा ही है। मैडम, आपकी पसंद इसकी पसंद है, आपकी नापसंद भी इसकी नापसंद है। मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाली है। तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? पूरा भरोसा कर सकती है। कोई गलती हुई तो गला काट के आपके कदमों में पेश कर दूंगा मैडम। जैसा कि वादा किया था। ये रहे तुम्हारे 1 million। 1 million? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बाकी के पैसे जल्दी देना। अरे उसी का जेरोक्स कर ले। 1 million का चेक एक सेकंड भी मेरे हाथ में नहीं टिक टिक टिका। तो ये है वो जगह जहाँ हमारी नई कंपनी होगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय कार्तिक, कैसे हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ अनुष्का, BMC ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर। दिस इज अ सरप्राइज, मिलना था तो ऑफिस में मिल सकते थे। मैं बिजनेस की नहीं पर्सनल बात करने आई हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई। आई वॉन्ट टू मैरी यू। इस शादी की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारा अलायंस की वजह से कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे, वो भी 10 गुना। ऑफर कैसा लगा? आई लव योर आइडिया। आपको आइडिया कैसा लगा अंकल? मुझे तो झटका बहुत जोर का लगा। ये प्रपोजल कोई शादी का है या कोई बिजनेस का? दोनों है। इस शादी से हम अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं।
यूएस में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो तुम्हारे जीजू संभाल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोजेक्ट संभाल सकती है तुम्हारी बहन, और लंदन में एक गेमिंग की नई कंपनी खोलेंगे जिसे तुम्हारे डैड संभाल सकते हैं, और हाँ तुम्हारी मॉम के लिए माँ हमारे साथ रहेगी। मुझे लगता था ये अकेला सरफिर है, लेकिन ये इसकी भी माँ निकली। हाँ वही तो। और हाँ, लंदन से महीने में एक बार तो अंकल आंटी से मिलने आ ही सकते हैं। तो माँ लड़की कैसी लगी? बकवास लगी। बट व्हाई? शादी से पहले ही घर तोड़ दिया है इसने। अरे आंटी, दूर रहने में ही प्यार बढ़ता है। ये सही बात बोली तुमने, सोचने लायक है। माँ शादी मुझे करनी है तो पसंद भी मेरी होगी। अनुष्का तुम कल क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। तो कल ही सगाई निपटा लेते हैं। क्या? और इसी महीने की 15 तारीख को शादी? नो, 15 को बुधवार, वीकेंड पे रखते हैं, मुझे ऑफिस मिस नहीं करना। फैंटास्टिक, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूं। ओके बाय बाय बाय। बेटा ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। हाँ कार्तिक की लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की तैयारी कीजिए। अगर ये शादी हुई तो ये लड़की हमें डुबा देगी। ये शादी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? जब भैया कल अनुष्का को अंगूठी पहना रहे होंगे तभी पापा को हार्ट अटैक आ गया तो। अरे ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? और चुप ही रहिए, सिर्फ नाटक करना है ताकि कल सगाई रुक जाए और हमें वक्त मिल जाए शादी तोड़ने का। सही है, क्या बात है। अरे बेटा ये सारी तुमने मुझसे ही तो पाई है, क्या बात है। शट अप, क्या समझती हो अपने आप को? मेरे परिवार के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सिर्फ तुम जो बोलोगी वही होगा। शादी तो दूर की बात है, अब तो सगाई भी करनी है या नहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? कहती है सगाई के लिए मैं क्या पहनूंगा, आप लोग क्या पहनेंगे वो डिसाइड करेगी। और तो और, आप लोगों के बारे में भी बुरा बोल रही थी। बस बहुत, उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए ये शादी रोकनी होगी। कल ही 10 का रिचार्ज करवाया है। क्या बात है, शादी तोड़ने के लिए इतना इंटरेस्ट? वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार है। बिल्कुल सही, कल अगर तुम कंगाल हो गए तो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना। तुम्हारे लिए मैं अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, तुम सगाई तोड़ दो। नहीं माँ, अगर अभी तोड़ेंगे तो हम उसकी अकल ठिकाने नहीं ला पाएंगे। लेकिन जब कल सबके सामने ठीक रिंग पहनाने के मौके पर सभी मेहमानों के सामने जब मैं उसे मना कर दूंगा तो उसकी अकड़ चूर हो जाएगी। फुल पावर, मैं भी यही आइडिया दे रहा हूं। भला टली, अब हार्ट अटैक के एक्टिंग की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही सुलझ जाएगा। बच गए। कौन सा क्रीम लगाती हो? लगता है बहुत लोगों को बुलाया है। अच्छा ही है, जितने ज्यादा लोग आएंगे उसकी उतनी ज्यादा बेइज्जती होगी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब उसकी इंसल्ट का ढोल बजे और मैं उस पे भंगड़ा करूँ। वो देखो आ गई नकचड़ी। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। जानती हूँ, चलो मैं तुम्हें अपने कलीग से मिलवाती हूँ। I'll follow you. जरा भी संस्कार नहीं है इस लड़की में, हमारे पांव तक नहीं छुए। थोड़ा समय दो, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। He's Peter. Hi. ये है मिस्टर जॉन। हेलो। रायन। हेलो। डेविड। और ये है ओली। हाय। गाइस, ये मेरे फियांसे हैं कार्तिक। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपको पता है यहाँ की हर लाइट मैंने अपने हाथ से लगाई है। ओह अच्छा। वैसे आपकी तारीफ? अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, वैसे मैं संकट रहा हूं। मैं कुछ लोगों की समझ में आता हूं और कुछ लोगों की समझ से बाहर हूं। वैसे मैं आपको क्या लगा? बड़े चमन लगते हो। अच्छा, मतलब आपकी समझ से मैं कोसो 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 बाहर हूं। अच्छा, वहां पे शांति शांति है और यहां पे अशांति अशांति क्यों लग रही है? लड़की ने दहेज ज्यादा मांग लिया क्या? तुम होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले? एक साल से आपने किसी को मुक्का नहीं मारा। किसे मारूं? नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही चला आया था, ये रसगुल्ला का है। अपना बेटा सगाई का नाटक कर रहा है, इसे पता ही नहीं। अभी होगा धमाका। वो भी छोटा नहीं, बड़ा वाला धमाका। इसने तो हमें ही चमन बना दिया। तो ये झटका कैसा लगा? पापा आपने मेरे लिए जाल बुना था, लेकिन मैंने आप सभी को उसी जाल में फंसा दिया। इसे कहते हैं दिमाग, नहले पे तहले पे तहला। जाओ, रास्ता साफ है। Can you send in the email, please? Sure, I'll send him. Sir, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? इंडिया की हमारी बायोकेमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। What? ये कैसे हुआ? गैस पाइप फट जाने की वजह से और कई लोगों की जान भी गई। एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी फैक्ट्री पर केस किया है, जिसकी वजह से हमें हमारी फैक्ट्री को तुरंत बंद करना पड़ा। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पीआईएल किया है उन्हें पैसा खिला दो और इस केस को रफा दफा कर दो। मैंने वो भी कोशिश की, लेकिन वो लोग केस वापस नहीं ले रहे हैं। वो केस किसने किया? ग्रीन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी के अभी मेरी इंडिया की टिकट बुक करो।
अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अचानक कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम आ गया, इंडिया जा रहा हूँ। मुझे कॉल करने में तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड लगते और मैसेज टाइप करने में सिर्फ लगते 20 सेकंड। मिस कॉल देते तो फ्री में हो जाता। एक बात याद रखो, आज के बाद तुम कोई भी काम मुझे बिना बताए नहीं करोगे, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ पर्सनल। अब बताओ कि अचानक इंडिया जाने की वजह क्या है? देखो, इंडिया में जो फैक्ट्री है उसमें छोटा सा प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके आ जाऊंगा। वहाँ पहुँचने के बाद तुम मुझे वहाँ की हर चीज की अपडेट दोगे, और इस बार फोन करना भूलना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। इसी महीने में शादी है, ये मत भूल जाना। तुम्हें बीच में बोलने किसने कहा? डोंट वरी, शादी तक आ जाऊंगा। और जल्दी है, गिव मी अ हग। दे दो। संकट राव। यस मैडम जी। ये शादी तो करेगा ना मुझसे? जरूर करेगा मैडम, इसका दिमाग थोड़ी फिर गया है। और अगर नहीं की तो? कह दिया ना, गला काट के आपके पैरों में अर्पित कर दूंगा, ज़बान दे रहा हूँ मैं। शुक्रिया। यस यस यस, आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हुआ। पापा और मामा हर जगह मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। उन्होंने मेरे गांव के दोस्तों से भी पूछा और कॉलेज के दोस्तों से भी, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो शहर में अपनी एक खास दोस्त के घर पे छुपी बैठी हूँ। ऐसे कब तक उनसे छुपोगी दिव्या? मुझे नहीं पता, जब तक मामा और पापा अपनी नफरत नहीं छोड़ेंगे और माँ और चाचियों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे तब तक। उनका रवैया इतने सालों में नहीं बदला है, तुम्हें विश्वास है ऐसा करने से वो बदल जाएगा? ये नामुमकिन है दिव्या। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाला मेरी बात जरूर सुनेगा। मेरी इच्छा कभी तो पूरी होगी, तू देखती जा। आपको चश्मे में से दिख रहा है, आपका पैसेंजर कौन है? वीजा पर ठप्पा लगाकर हम भी कहीं घूमने चलें, गोवा बीच के बीचों बीच जाकर मजा करेंगे, ओके? ट्रैफिक क्यों है? लगता है कोई रैली निकल रही है सर, शायद ग्रीन आर्मी है सर, ये पेड़ों को बचाने का काम करते हैं। गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन। यही है वो नोटिस जो ग्रीन आर्मी वालों ने हमें भेजी है सर। और सर मैं ये क्या सर, आपने मुझे एयरपोर्ट पे देखा ही नहीं। जब नजर किसी और पर हो तो सामने वाला कैसे दिखे? देख लिया। टैक्सी का भाड़ा इसकी तनख्वाह से काटो। एक तो तनख्वाह नहीं मिलती, ऊपर से आप मेरी काटेंगे जेब। ग्रीन आर्मी का लीडर कौन है? उसका नाम दिव्या है सर। फैक्ट्री पे आकर कहने लगी कि यहाँ से निकलने वाले धुएं केमिकल से पर्यावरण दूषित हो रहा है और पेड़ पौधे भी मर रहे हैं। उसको पेड़ पौधों से बहुत लगाव है सर, वो तो हमें। बॉस यही लड़की है। तुम इतना सा मामला नहीं संभाल सके, इसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ा। वो लड़की नहीं है, तोप है। बम का गोला हलक में अटका कर ऐसे फायर करती है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। तुम बहुत कुछ जानते हो। कैसे नहीं जानूंगा, उसके बम ने मेरे भी चिथड़े उड़ा दिए। क्या मतलब?